हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्लाजो सूट की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। स्टार्टिंग में हम कमीज की कटिंग करेंगे और जो ये फैब्रिक है वो ऑल ओवर है, यानी कि कमीज का और सलवार का जो फैब्रिक है वो इसमें साथ के साथ दिया हुआ है। और इस तरीके से इसमें कमीज के बिल्कुल सेंटर के लिए कढ़ाई दे रखी है और उसी कढ़ाई का हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट लेते हुए फैब्रिक को डबल कर लेंगे और लेंथ के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। 40 इंच इस कमीज की लेंथ हम तैयार करेंगे। तो हम नीचे से तो फोल्ड किया हुआ है, ऊपर से स्टिचिंग के लिए यानी कि मार्जिन के लिए हम हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद हम शोल्डर के लिए यानी कि तीरे के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 15 इंच का हम तीरा तैयार करेंगे तो 7.5 यानी कि 7.5 इंच पर हम मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच की हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे और उसको लाइन को हम इक्वली सेंटर तक ले जाएंगे और फिर सेंटर से भी हम इसको इस तरीके से मिला देंगे और कॉर्नर से 1 इंच की मार्किंग करते हुए आर्म होल को राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम फिटिंग के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। चेस्ट का मेजरमेंट 34 है टोटल, तो हम इसका फोर्थ पार्ट लेते हुए 8.5 यानी कि 8.5 पर मार्क कर देंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। ये देखिए 8.5 पर हमने मार्क कर दिया है। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है और उस पर भी हमने मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद ऊपर वाला आर्म होल वाला मार्क और जो हमारे कमर का यानी कि वेस्ट का मार्क है उसका डिफरेंस हम 6 इंच की लेंथ में रखेंगे और जितना तैयार है उसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग कर लेंगे। 7.5 पर हमने मार्किंग की है और 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हमारी साइड की लेंथ होती है स्टिचिंग लाइन वाली, वो हम 15 इंच तैयार करेंगे और 15 इंच पर मार्क कर लेंगे और जितनी हमारी हिप का मेजरमेंट है उसका फोर्थ पार्ट लेंगे और मार्किंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 9.5 इंच पर मार्किंग की है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए फैब्रिक ले लिया है और दोनों मार्क को हम इस तरीके से मिला देंगे। फर्स्ट वाली जो हमारी मार्किंग है वो स्टिचिंग की है और सेकंड वाली हमारी कटिंग की है। उसके बाद हम नीचे से घेर की मार्किंग करेंगे। 10 इंच यहाँ पर हम तैयार रखेंगे, मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए लेंगे, जो हम पल्ले फोल्ड करते हैं वो, और यहाँ पर दोनों मार्क को मिला देंगे और इस मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद हमारा जो फैब्रिक है उसको हम आगे से फोल्ड कर देंगे और इस कमीज का बैक वाला पार्ट हम निकालेंगे। जितने हमने पल्ले कट किए हुए हैं और नीचे से घेर, उसी के अकॉर्डिंग हम इस फैब्रिक को डबल फोल्ड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और नीचे से हम 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे फोल्डिंग के लिए। देखिए इस तरीके से हमने 3 इंच फैब्रिक छोड़ दिया है, उसको हम बाद में बैक साइड में फोल्ड करेंगे और इसी साइज़ के अकॉर्डिंग जितना हमने ये पार्ट कट किया है उसी के अकॉर्डिंग हम बैक वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जितनी हमें तैयार
स्लीव्स रखनी है, उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए दोनों स्लीव्स के फैब्रिक को एक साथ फोल्ड कर लेंगे। एक साइड से हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर देंगे। देखिए जो हमारा ओपन वाला कॉर्नर है उसको हम सेंटर की तरफ राउंड शेप दे देंगे आर्म होल की शेप में, और लेंथ के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे जितनी भी हमको लेंथ रखनी है। अगर आपको 12 इंच की 4 स्लीव्स रखनी है तो आप 14 इंच की कट कीजिए और 1.5 इंच नीचे से फोल्ड हो जाएगा और 1/2 इंच ऊपर से कुर्ती के साथ स्लीव्स स्टिच हो जाएंगी। तो उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको कट कर लीजिए। दोनों स्लीव्स को फ्रंट वाली साइड से इस तरीके से हम कट कर लेंगे। ये हमारी आर्म होल की कटिंग होती है जो कि हम फ्रंट वाली साइड से हमेशा करते ही करते हैं कुर्ती की अच्छी फिटिंग देने के लिए। उसके बाद हम प्लाजो की कटिंग करेंगे, और प्लाजो की कटिंग के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, और जो ओपन वाला हिस्सा है वो मैंने मेरी साइड में रखा है और जो बंद वाला हिस्सा है वो दूसरी साइड है। और ओपन वाले हिस्से की साइड हम पॉकेट लगाएंगे, और जो ये बंद वाला हिस्सा है इसकी साइड से हम आसन की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले जो फैब्रिक है हमारा, हम ऊपर से 2.5-2.5 इंच इक्वल मार्क करेंगे, और ये हम ऊपर फोल्ड करते हैं। जो इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं वो हम छोड़ देंगे मार्क करके। ये देखिए हमने 2.5 यानी कि 2.5-2.5 इंच पर यहाँ पर इक्वली मार्क कर लेना है। देखिए इस प्लाजो के जो हिप का यानी कि बेल्ट का मेजरमेंट है वो 34 है, तो हम यहाँ से कटिंग किस तरीके से करेंगे। तो हम 34 का पहले हाफ ले लेंगे, हाफ कितना हो गया 17 हो गया, और उसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट ले लेंगे वो हो गया 8.5 यानी कि 8.5 इंच। तो हम तैयार इसकी जो बेल्ट है हमारी साइज चौड़ाई वो हम 8.5 तैयार करेंगे। जो हमारे एक पार्ट है जो अभी हम कट करने वाले हैं वो 8.5 यहाँ पर मार्क करेंगे, और 2 इंच हम प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, और उसके बाद हम इसकी लेंथ देखेंगे। साढ़े 10 की चौड़ाई के अकॉर्डिंग मार्किंग करने के बाद हम आसन के लिए मार्किंग करेंगे। आसन हम यहाँ पर तैयार 10 इंच का करेंगे। ऊपर से जो हमने 2.5 इंच फैब्रिक लिया है वो तो फोल्ड होके इलास्टिक में आ जाएगा, तो 10 इंच हम तैयार करेंगे। तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे यहाँ पर स्टिचिंग के लिए, तो हम 11.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। और जिस तरीके से हम आर्म होल को राउंड शेप देते हैं उसी तरीके से हम आसन किस तरीके से राउंड शेप दे देंगे, ताकि जो हमारे प्लाजो की स्टिचिंग है वो परफेक्टली आए। उसके बाद जितना आपका थाइज़ का मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा आप स्टिचिंग लाइन के लिए यानी कि मार्जिन के लिए मार्क कर लीजिए। उसके बाद हम इस प्लाजो की लेंथ देखेंगे। जितनी आपको इस प्लाजो की लेंथ तैयार करनी है उसी के अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लीजिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लीजिए फोल्ड करने के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिए। उसके बाद हम इस प्लाजो के पोंचे के लिए मार्किंग करेंगे। आप चाहो तो ओपन वाली साइड से भी आप पोंचा ले सकते हैं, और आपको सेंटर निकालने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी फिटिंग अच्छी आएगी। बट मैं इसमें सेंटर से पोंचे की फिटिंग निकाल रही हूँ। जितना हमारा ऊपर से आसन की तरफ से जितना हमारा फैब्रिक आया है कटिंग वाले मार्जिन के लिए, वहाँ तक हम इस
को इक्वली मार्किंग कर लेंगे और इसका सेंटर निकालते हुए हम नीचे वाला सेंटर भी इक्वल कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जहाँ पर हमारा सेंटर वाला मार्क आया है और वहाँ पर हम उसके बीचों बीच से हम हमारे पोंचे की मार्किंग करेंगे। तीन तीन हमने उस सेंटर पॉइंट से तीन तीन इंच दोनों साइड में मार्किंग कर ली है और एक एक इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए लेंगे और इस तरीके से सेंटर से हमारा पोंचा निकाल देंगे। उसके बाद इस प्लाजो के दोनों साइड पे हम स्केल से मार्किंग करेंगे और अच्छे से राउंड शेप देते हुए इसके इस तरीके से दोनों साइड से मार्किंग कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से स्केल को रखेंगे और मार्किंग कर देंगे और मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इस प्लाजो के पार्ट को इनको कट कर लेंगे। यहाँ पर दो पार्ट हमारी फ्रंट वाले दोनों पार्ट कट के रेडी हो जाएंगे और उसके बाद हम बैक वाले दोनों पार्ट को कट करेंगे। बैक वाला हम इसी तरीके से नहीं कट करते हैं, बैक वाला इससे थोड़ा सा अलग होता है, वो भी मैं आपको कट करके दिखाने वाली हूँ। उसके बाद जो आगे फैब्रिक बच गया है उसको भी हम इसी तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर जो ये हमने फ्रंट वाले पार्ट कट किए हैं उसको इस तरीके से ऊपर रख देंगे और उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। आसन से दूसरी साइड तो हमने वैसे ही कट करना है जितना ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट, और बैक वाला पार्ट जो हम कट करेंगे आसन की साइड से हम इसको 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। अगर कोई हैवी लेडी है तो 3 इंच भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और दूसरी साइड से उतना ही लेना है, यानी कि बैक साइड में हम तिरछा कट करेंगे इसको और 1.5 इंच हम आसन की साइड से भी बैक वाला पार्ट एक्स्ट्रा कट करेंगे। देखिए एक्स्ट्रा मार्किंग करते जाएंगे हम ऊपर से लेकर नीचे तक आसन की साइड में और मार्किंग करने के बाद इसको कट कर लेंगे। ये देखिए 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है और ऊपर से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है आसन की साइड से और दूसरी साइड से उतना ही रखना है, दूसरी साइड से कम ज़्यादा नहीं करेंगे और इस मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे। जितना हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है 2.5 इंच उसको हम फोल्ड करके देख लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया और जहाँ पर हमने फोल्ड किया है वहाँ पर मार्क कर लेंगे और उससे 1/2 इंच ऊपर, ये देखिए 1/2 इंच ऊपर हम पॉकेट को स्टिच करेंगे ताकि जो हमारा पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा है वो इस फैब्रिक में दब जाए और पॉकेट ऊपर की तरफ से स्टिच हो जाए। ये देखिए जहाँ पर फोल्ड हुआ है उससे 1/2 इंच ऊपर हमने कट लगा लिया है और उसके बाद हम 6 इंच पर मार्क कर देंगे और वहाँ पर भी छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि जो हम हैंड बना डालने के लिए माउथ बनाते हैं पॉकेट का वो हमारा 6 इंच का चौड़ा आए और हमारी पॉकेट अच्छे से बन जाए। ये देखिए इस तरीके से हमारी पॉकेट ऊपर बेल्ट के साथ, यानी कि जो हम इलास्टिक लगाएंगे उस फैब्रिक में अटैच हो जाएगी। पॉकेट की स्टिचिंग का फुल वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, अगर आपको पॉकेट की फुल वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को देख लीजिए और पॉकेट की स्टिचिंग की फुल वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है वहीं से हम पॉकेट की कटिंग भी कर लेंगे। एक साइड से हमने बंद रखा है पॉकेट को और एक साइड से ओपन, और जिस साइड से हमने ओपन किया है उस साइड से एक साइड से हमने 6 इंच का लिया है चौड़ा और एक साइड से 7 इंच का, जहाँ से हमने 7 इंच का लिया है उसको हमने कॉर्नर से राउंड शेप दे दिया है और इक्वली हम मार्किंग के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे। ये हमारे पॉकेट की कटिंग भी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।